चैनल सिंपली शिल्पी और आज मैं आ गई हूँ बुद्ध बाजार। तो लॉकडाउन के बाद बुद्ध बाजार खुल गया है और यहाँ पे अच्छी खासी मुझे भीड़ भी दिख रही है। तो चलिए बुद्ध बाजार में क्या है, क्या कुछ खास है, क्या है समर कलेक्शन, सब कुछ आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ। और स्पेशली करके क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो मुझे कहा था सब लोगों ने कि आप फैब्रिक वाली मार्केट जो है ना उसे अच्छे से एक्सप्लोर करना, तो आज मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर किसी को ज़रूरत हो इस वीडियो को तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। बुद्ध बाजार जो है ये काफी बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे जो ये तनिष्क शोरूम है उसके आगे जो सर्कल पड़ता है, पुलिस चौकी पड़ती है, वहीं से मैंने शॉपिंग अपनी स्टार्ट की है। तो यहाँ पे काफी सारी स्ट्रीट पे बिल्कुल शॉप्स लगी हुई हैं, कहीं ये हैंगर वाली शॉप तो कहीं ठेले, और कई लोग इस तरीके से कपड़े लगा के बेच रहे हैं जो कि ढेरों में लगे हुए हैं। एंड इनका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज या 150 रुपीज में 2 टॉप आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी। जैगिंग्स, जीन्स वगैरह जस्ट आपको 200 रुपीज में मिल रहे थे और इसमें कलर एंड साइजेस भी अवेलेबल थे। इसके अलावा इस तरीके के ढेरों में बहुत सारे टॉप्स एंड वन पीस ड्रेसेस थे। you know, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पे छांटने में करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहाँ से छांटे। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, झुमकास वगैरह भी आपको 10 रुपीज से स्टार्ट होकर 100 रुपीज तक में बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं 30 रुपीज के हैं, 150 के 2, 150 के 2। हैंडबैग और डेकोरेटिव आइटम के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर चिकनकारी की कुर्तीज भी मुझे यहाँ पे देखने को मिली, जिनकी रेंज 350 से स्टार्ट थी। ये प्लाजो आप देख सकते हो चिकनकारी का, ये 600 रुपीज में था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप इसे किसी भी कलर की कुर्ती के साथ पेयर अप कर सकते हो एंड ये कुर्ती आपको 850 की रेंज में थी। बुद्ध बाजार में एक्चुअली भीड़ मुझे अच्छी खासी दिख रही है एंड अभी थोड़ा सा
धूप भी कम हो गई है तो हम लोग थोड़ा शॉपिंग कर चुके हैं एंड यहाँ पे आ गए हैं। ये मैं कौन सी आपको जगह बताऊँ, एयरटेल शोरूम है और अगर आप कपूरथला की तरफ से आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी शॉप दिखेगी इस चौराहे पे जहाँ पे आपको बहुत यू नो जस्ट 50 रुपीज़ में कपड़े मिल रहे हैं, वेस्टर्न कपड़े मिल रहे हैं और बहुत सारे कपड़े। सो, यहाँ पे गर्ल्स अगर आपको थोड़े से कुछ ऐसे कपड़े चाहिए कि बस एक दो बार पहनने तो आप आके यहाँ से ले लो। तो यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट 50 रुपीज़ में वन पीस ड्रेसेस पार्टी वेयर काफी अच्छे मिल रहे थे एंड काफी सारी यहाँ पे भीड़ भी थी, लोग काफी सारा लेके भी जा चुके हैं, छट चुके हैं। तो ये जो थोड़े बचे हुए हैं इनको आप देख सकते हैं काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, बुद्ध बाजार काफी बड़ा बाजार है और बहुत सारी स्ट्रीट शॉप्स लगती हैं जहाँ पे 50 रुपए से लेकर 500 रुपए 1000 रुपए तक के आपको कपड़े मिल जाएंगे। एंड बस एक चीज है कि आप यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाल के आइए बिकॉज आपको थोड़ा सा छांटना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ये सस्ता मेकअप मैं ट्राई कर चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो मेरे YouTube वीडियो पे देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी। तो जैसे ही मैंने इस लेन में एंट्री की गोल्ड मार्केट वाली लेन में, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखे खूब सारे कर्टन की शॉप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्टन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंड कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनकी प्राइस रेंज 160 रुपीज से स्टार्ट है। और ये वाले अगर आप ज्वेल पैलेस की तरफ से एंट्री करते हैं तो ये भैया जी काफी अच्छे दुपट्टे सेल कर रहे थे, फिर मैंने देखा इनके पास काफी अच्छे और भी फैब्रिक्स हैं, तो ये सीक्विन वाले जो हैं जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये 120 रुपीज़ पर मीटर से थे एंड कुछ इसमें 150 रुपीज़ कुछ 200 रुपीज़ पर मीटर से थे। तो काफी अच्छे कलेक्शन थे एंड काफी सारे ऑप्शन थे इनके पास, तो इनके पास आप एक बार आके जरूर देखिएगा। एंड सीक्विन के अलावा भी और काफी सारे कपड़े थे इनके पास, फैब्रिक्स का कलेक्शन इनके पास काफी अच्छा था एंड काफी चीप रेट पे था। बेटा ये बॉर्डर बनाइए, लहंगा गाउन कुछ भी बना लो, लहंगा गाउन है ना। ये कितने रुपए मीटर से? 200 रुपए मीटर। 200 रुपए कितना भी कोई ले सकता है ना, कोई भी ले सकता है। साड़ी के लिए कितना मीटर? साड़ी का 5.5 मीटर ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइप के आपको फैब्रिक मिल जाएंगे। फैब्रिक के अलावा यहाँ पे इस तरीके से रेडीमेड ब्लाउजेस भी मिल रहे थे जिनकी प्राइस रेंज 300 से स्टार्ट थी। ये देखिए ये वाले फैब्रिक जो है यहाँ पे जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये जस्ट आपको 80 रुपीज़ पर मीटर से मिल रहे थे एंड काफी अच्छे थे, कुछ इसमें 60 रुपीज़ मीटर वाले भी थे। जब भी आपको सस्ते में फैब्रिक खरीदना हो तो आप गोल मार्केट में आइए, यहाँ पे आपको एक नहीं बहुत सारी इस तरीके की शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग रेंज के आपको फैब्रिक्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी पसंद से कुछ भी बनवा सकते हैं। फैब्रिक के साथ साथ यहाँ पे लेस की भी बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, तो जैसी भी आपको लेस चाहिए हो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसकी प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है 10 रुपीज़ पर मीटर से।
लेन है, मैं इस बार एक्सिस बैंक से एंट्री मैंने नहीं की थी, ज्वेल पैलेस है वहां से मैंने एंट्री की थी। तो ये पूरी इसको गोल मार्केट भी कहते हैं यहाँ पे, ये बुधवार के ही दिन यहाँ पे स्ट्रीट में लगाई जाती है और यहाँ पे आपको हर तरीके का फैब्रिक मिलेगा। कितने सारे मैंने आपको दिखाए, तो यहाँ पे आप हर तरीके का फैब्रिक, पर्दे, सूट के कपड़े, आई मीन बहुत ही अच्छे, जो मार्केट में या किसी अच्छे शोरूम में जो फैब्रिक आपको हजार हजार रुपए में मिलेगा वो यहाँ पे आपको आसानी से 250 से 500 की रेंज में मिल जाएगा। एंड फैब्रिक ही नहीं, अस्तर, यू नो, हर चीज मिल जाएगी। तो एंड वहीं पे मुझे ये साड़ियों की शॉप दिखी, इनके पास सेल लगी हुई थी, 350 रुपीज़ में साड़ियाँ थी। तो आप देख सकती हो कितनी लाइट वेटेड साड़ियाँ हैं जिनको पहन के फील भी नहीं होगा कि आपने साड़ी पहनी है, तो बहुत अच्छी लग रही थी, आप इन्हें डेली वेयर के लिए ले सकते हो, बहुत ही खूबसूरत थी। एंड इसके अलावा थोड़ी हैवी उसमें भी थी इनके पास। वैसे तो ये सारे कलर्स जितने लगे हुए हैं सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा और मुझे कौन सा लेना चाहिए। सो गाइज, अब मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है। सो गाइज, अगर आप लोगों को बहुत मेहनत लगती है यार इतनी भीड़ भाड़ में और इतनी गर्मी पसीने में आके वीडियो बनाने में, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल सिमरी शिल्पी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।